हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट टू होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है सिमिलैरिटी, आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ लेक्चर्स जो है मिसिंग हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट उनको बता दूं कि आपके जितने भी लेक्चर्स वीडियो मिसिंग थे वो हम लोग रीअपलोड कर रहे हैं, यानी कि आपको अभी देखने मिल जाएंगे। आपके जितने भी जो पहले अवेलेबल नहीं थे वो अभी आपको मिल जाएंगे देखने, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप हमारे वीडियो सेक्शन को अभी फिलहाल में चेक कर सकते हो। वीडियो सेक्शन में आप जैसे ही घुसोगे उसके अंदर स्क्रॉल कर करके देख लेना कि हम लोग ने ये प्रीवियस जो 8-10 दिन जो बीता दोस्तों, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए जो पहले से थोड़े से मिसिंग हो गए थे, वो हमने रीअपलोड कर दिए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और आने वाले टाइम पे हम लोग आप देखोगे तो प्लेलिस्ट भी आपको अपडेटेड मिलेगा, ठीक है? तो जरूर से एक बार अपना वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन अपने चैनल का जेआर ट्यूटोरियल्स का जरूर से चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं, सिलेबस तो ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी उसके अलावा जो स्टूडेंट है 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस 100% कंप्लीट है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो वो जरूर से चेक कर लेना। साथ ही में जो नए सीरीज की हमने शुरुआत की है, साइंस का फंडा, मैथ्स ट्रिक्स एंड स्कॉलरशिप बेस्ड वीडियो जो मैथ्स के आते हैं, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, तो उसको भी एक बार नजर डालिए एंड जरूर से उसको भी देखिए और जरूर से अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारा जो आज का लेक्चर है इसकी शुरुआत करते हैं। और बेसिकली आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है जो आपने पढ़ा होगा इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। आज उसी का उल्टा यानी कन्वर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो उसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पता ही है दोस्तों, इतना तो आप स्मार्ट हो। और लेक्चर नंबर 5 आप देखोगे, इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 5 में, उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो वो चेक कर लेना। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा, ठीक है? अब वो एक्जैक्टली क्या होता है, इसके पीछे एक डेफिनेशन है। हर बार थ्योरम का डेफिनेशन याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन इस प्रकार है, इफ अ लाइन, देखो समझने की कोशिश करो, इफ अ लाइन divides, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle, देखो triangle का सिंबल यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा पूरा यूज करना, ठीक है? हम लोग के पास थोड़ा टाइम कम रहता है इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, बट आपके पास तो टाइम ही टाइम है तो आप यूज कर सकते हो बिंदास, ठीक है? तो इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड अगर करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम को भी ड्रॉ करके बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है, हम बैठे हैं यहाँ पे हर चीज बताने के लिए, तो बिल्कुल चिंता मत करो। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये रहा उसका स्टेटमेंट, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ नजर आ रहा होगा और ये चीज़ आपको अपने बुक में मिल जाएगा। स्टेटमेंट तो लिख के भी आता है, वैसे आपको पता ही होगा कि एग्जाम में जो थ्योरम पूछते हैं, जब भी एग्जाम में थ्योरम पूछेगा तो आपको ये नहीं पूछेगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम बताओ, आपको ये नहीं पूछेगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम बताओ, आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा आपको बोला रहेगा, ठीक है? तो ये रहा स्टेटमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम में बताता हूँ सबसे पहले आपको, और आपको याद होगा कि बीपीटी जो था हमारा, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम था, उसमें भी हमने यही डायग्राम यूज किया था, ठीक है? तो समझ लो ये डायग्राम है, एक ट्राइंगल है, ठीक है? वो ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ, समझ लो इसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज योर ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको समझ में आ रहा है। एंड ये ट्राइंगल में से एक लाइन इस प्रकार है जो कि पैरेलल होगा, ठीक है ना, इस प्रकार है, लेकिन हम लोग अभी बोल नहीं सकते कि पैरेलल है कि नहीं, इसका लाइन का नाम L है और ये जो पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों P और Q, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इसका नाम क्या है PQ, समझ में आ रहा है? ABC दिस इज PQ, इतना आपको समझ में आया। तो आपका जो डेफिनेशन पूछता है बीपीटी का, उसके हिसाब से क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर एक लाइन डिवाइड करता है दो साइड को, यानी कि एक लाइन L नाम का जो लाइन है, PQ नाम का जो लाइन है, वो अगर ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करता है, डिवाइड मतलब क्या होता है, काट रहा है, काट रहा है ना, यहाँ पे देखोगे आप कि ये एक ट्राइंगल है, उसका ये साइड है ए बी साइड और ये वाला साइड ए सी साइड, उसको ये लाइन ने कट किया है, देखो एक ये साइड को कट किया, ये साइड को कट कर दिया, यानी कि ये जो लाइन पी क्यू है, जो एल नाम का जो लाइन है, उसने ये वाले साइड के और ये वाले साइड को जो ट्राइंगल का है उसको कट कर दिया, वो भी कैसे कट किया, सेम रेशियो में, यानी कि जो रेशियो होगा, यानी कि जो लेंथ होगा वो सेम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे उतना, ऐसा नहीं है कि ये इधर है और ये लाइन टेढ़ा गया, ऐसा नहीं है, सेम रेशियो में कट किया है।
तब अगर ऐसा होता है कि अगर एक लाइन ने ट्रायंगल के दोनों साइड को कट किया है सेम रेशियो में, तब वो जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा हमारे थर्ड साइड से, यानी कि ये जो लाइन होगा वो थर्ड साइड कौन सा है, बीसी, यानी कि ये लाइन से पैरेलल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है, मतलब ऐसा ये स्टेटमेंट बोला है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या गिवन दिया हुआ है और किस प्रकार का हमें प्रूफ लगेगा, क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखना, आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट सपोज आपको क्या क्या यहाँ पे पूछने मतलब दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, गिवन आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया है कि ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसमें क्या दिया है कि जो लाइन जो है डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो भी डिवाइड करेगा, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा हमारा ए पी अपॉन पी बी, यानी कि ये जो ए पी है ए से लेके पी और अपॉन पी बी जो रहेगा वो सेम रहेगा ए क्यू अपॉन क्यू सी से, तभी तो सेम रेशियो बनेगा ना, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी से ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ये गिवन है हमारा, क्या दिया हुआ है कि जो रेशियो है वो सेम है, क्योंकि बोल के रखा है ना स्टेटमेंट में कि रेशियो सेम है, तो रेशियो इज सेम, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें देके रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़ हमें गिवन देके रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, साबित क्या करना है हमें, हमें साबित ये करना है कि ये जो लाइन है L नाम का, ये जो PQ सेगमेंट जो दिख रहा है उसके अंदर, कि ये जो लाइन है ये थर्ड वाले साइड यानी कि BC से क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसा हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूव में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सेगमेंट जो है हमारा PQ, सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल है, देखो ये पैरेलल का सिंबल होता है, दो लाइन खींच दो स्ट्रेट, इसको बोलते हैं पैरेलल का सिंबल, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पैरेलल का सिंबल। तो सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल है किससे, सेगमेंट BC से, ऐसा हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करके दिखाना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें इसको करना है प्रूफ, क्या करना है दोस्तों, अब इसको हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट तो हम लोग लिख नहीं सकते ना कि चलो हमको डायग्राम में तो दिख रहा है कि PQ जो है आपका वो हमारे BC से पैरेलल है, डायग्राम में दिख रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि हैंस प्रूफ ये वाला लाइन ये वाले लाइन से पैरेलल है, पर ऐसा चलता है क्या काम, हर चीज सबूत मांगता है, कोर्ट भी सबूत मांगता है ना, कोई गुनाह करता है अगर, भले उसने किया रहेगा नहीं किया रहेगा, लेकिन कोर्ट में जब तक सबूत नहीं दिखाओगे तब तक वो सच साबित नहीं होगा। सेम इसी प्रकार प्रूफ में व्हेनेवर थ्योरम कुछ पूछता है और आपको कुछ चीज बताना होता है तो आपको सबूत देना पड़ेगा। तो यहां पे आपको सबूत क्या देना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या सबूत देंगे, यहां पे पहला लगेगा, पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे प्रूफ, क्या सबूत है हमारे पास, हमारे पास क्या प्रूफ है। तो पहला प्रूफ ये बनता है कि हम क्या करेंगे ना, इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब खुद से कुछ चीज़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम एक इमेजिनेशन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे इमेजिनेशन भी नहीं, इसी में बनाते हैं कि लेट सपोज आई ड्रॉ पी से लेके इधर तक कुछ एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ और इसका नाम मैं ले लेता हूँ दोस्तों टी, मैंने क्या किया एक ड्रॉ किया, तो मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्ट, क्या लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्ट पी टी, कंस्ट्रक्ट पी टी, मैंने क्या कर दिया कंस्ट्रक्ट कर दिया पी टी, ठीक है, और सच दैट कंस्ट्रक्ट पी टी किया, सच दैट इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किया कि हमको ये मतलब लगना चाहिए, इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करो इमेजिनेशन में कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पी टी, ऐसा मान लो कि ये जो लाइन पी टी है वो बी सी से पैरेलल है, दिख तो नहीं रहा पैरेलल है लेकिन मान लो, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो मैं मानूंगा, ऐसा मानूंगा कि मैंने क्या किया ड्रॉ किया कंस्ट्रक्ट पी टी ड्रॉ किया और ऐसा ड्रॉ किया समझ लो कि वो पी टी जो है ये जो बी सी वाला लाइन है इससे पैरेलल हो जाए, यानी कि पी टी इज पैरेलल टू बी सी, इस प्रकार हमने मान लिया, क्या माना कि सेगमेंट जो पी टी है वो सेगमेंट बी सी से क्या है दोस्तों पैरेलल है, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दिया नहीं है वो चीज़ या फिर ऐसा चीज़ प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि पी टी हमने ड्रॉ किया और पी टी समझ लो बी सी से पैरेलल है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, अज्यूम, ठीक है ना, यहाँ पे अज्यूम लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट नहीं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, ठीक है, देखो थोड़ा सा ड्रॉ एंड अज्यूम, ठीक है ना, ड्रॉ एंड अज्यूम, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ देख लेना, जगह नहीं है तो, ठीक है, ड्रॉ एंड अज्यूम पी टी सच दैट पी टी इज पैरेलल टू बी सी, समझ में आया, इतना हमारा पहला लाइन है, ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन का मेथड है या फिर पहला प्रूफ है। अब उसके बाद क्या, ये तो हमने चलो ड्रॉ कर लिया कि जो पी टी है वो बी सी से पैरेलल है, लेकिन जब भी हमें एक चीज़ पता होगा दोस्तों कि कभी भी अगर हमें पता है कि कोई भी एक लाइन यानी कि जो पी टी है अगर वो पैरेलल रहेगा सेगमेंट बी सी से, तो हमें एक चीज़ पता है जो हमने इसके पहले का थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी एक्चुअल वाला बीपीटी, ये कन्वर्स है ना, उल्टा है ना बीपीटी का, लेकिन जो मेन बीपीटी पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनके रेशियो भी क्या आ जाते हैं, प्रॉपर आ जाते हैं, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, और दूसरा क्या हो जाएगा ए टी अपॉन टी सी, देखो
पीटी और बीसी पैरेलल है ना, तो अब ये पीक्यू वाले को भूल जाओ, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इसको भूल जाओ, अब ब्लैक वाले को पकड़ो और बीसी वाले को पकड़ो खाली ध्यान में। तो पीटी जो है आपका, पीटी जो है वो आपका मेन बेस है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल है, तो आपका एपी अपॉन पीबी हो गया और यहां पे एटी अपॉन टीसी आएगा। क्या आएगा? एटी अपॉन टीसी। इतना समझा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर वन। अब एक और चीज है यहां पे, एक चीज हमें गिवन में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यहां पे आप देखोगे कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है गिवन में, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और कहां से आया ये चीज? ये चीज आया गिवन से, आया ये चीज हमें गिवन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां पर आप एक चीज नजर डालो बोर्ड पे, देखो ध्यान से कि ये जो पहला इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको पहला इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, और दूसरा इक्वेशन जो नजर आ रहा है, इसमें आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? दोनों में कुछ चीज सेम सेम आपको नजर आ रहा है क्या? थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, बिल्कुल नजर आ रहा है कि इसका जो लेफ्ट साइड है यानी एपी अपॉन पीबी यहां पर भी है और एपी अपॉन पीबी यहां पर भी है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि ये दोनों अगर सेम है तो उसके जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम हो जाएगा, मतलब एटी अपॉन टी सी विल बी इक्वल टू दिस वन, दैट इज ए क्यू अपॉन क्यू सी। लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो एटी अपॉन टी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक चीज आपको समझ में आएगा यहां पर, एक चीज यहां पर समझ में आएगा कि एटी अपॉन टी सी आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया। अब इसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब डायग्राम में अगर देखो आपको यह बताना है, अगर PQ जो है वो पैरेलल है अगर BC से, तो दिमाग क्या आपका चलता है कि मुझे ये T का पॉइंट और Q का पॉइंट ये दोनों को सेम बताना पड़ेगा, कि T और Q सेम ही होंगे तभी तो ये भी पैरेलल बनेगा ना, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ मतलब वही ज्योमेट्री वाला जुगाड़, मैथमेटिक्स का जुगाड़ क्या लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पर, थोड़ा सा मेरे को अभी रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे इस ये वाले पार्ट को, मैं इधर ही रखता हूँ, यहाँ पे रफ करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ मैं, आप क्या करो फटाफट से इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऊपर का पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ऊपर का पार्ट जो है मैं रफ कर रहा हूँ, इसको फटाफट से नोट डाउन नोटबुक में करते जाओ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कर सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई चिंता और टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इतना मैं देखो रफ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ से रफ कर रहा हूँ, कहाँ तक रफ करता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि अभी ये वाला लास्ट वाला काम है ना हमें, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, एकदम आखिरी तक आ गए हम लोग और 5 मिनट लगेगा बस, और ये थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, बस देखो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, देखो अब ये एटी अपॉन टी सी है ना लास्ट में, ये तो लास्ट स्टेप है हमारा। अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों में ना प्लस प्लस कर देता हूँ वन को। अब देखो कैसे, ये एटी अपॉन टी सी है, ये एटी अपॉन टी सी है ना, इसमें मैं करता हूँ प्लस वन, बीच में इक्वल है, लिख दिया बीच में इक्वल, और ये क्या है ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी है, इसमें भी कर देता हूँ प्लस वन। अब मुझे बताओ मैं कर सकता हूँ क्या? यस, अगर कोई भी काम करना होता है, प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, दोनों जगह करना होता है, तभी वो चीज़ वैलिड कहलाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस वन है तो यहाँ पे भी प्लस वन करने की वजह से अगर मैं दोनों को मिटा दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह मैंने किया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, समझ में आया दोस्तों। इसके लिए यहाँ भी प्लस वन किया, यहाँ भी प्लस वन किया, करने से कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा, यानी दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसको अभी मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेप आप देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, ये टी सी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एटी, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एटी प्लस ये टी सी मल्टीप्लाई बाय वन इज टी सी, और नीचे क्या आ जाएगा टी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम, ये ए क्यू क्यू सी उधर जाएगा वन के साथ मल्टीप्लाई होके, तो प्लस क्यू सी अपॉन यहाँ पे क्यू सी। अब देखो मुद्दे की बात, अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, डायग्राम में देखो ये ए टी प्लस टी सी है क्या, ये A से लेके T और T से लेके C का वैल्यू क्या है, AT प्लस TC का मतलब होता है दोस्तों पूरा का पूरा AC, AT और TC का मतलब होता है पूरा का पूरा AC, आ जाएगा नीचे TC, AC अपॉन TC हो गया, इज इक्वल टू ये AQ है, AQ प्लस QC, ये A से लेके Q, Q से लेके C, तो AQ प्लस QC करूंगा तो भी पूरा AC आ रहा है, यानी यहां पे भी AC आ गया और नीचे है QC। अब यहां पे एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे भी AC है, यहां पे भी AC है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम सेम होते तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, समझ में, इतना तो आ रहा है आपको। तो क्या बचेगा हमारे पास, वन अपॉन टी सी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू सी, क्या बचेगा, वन अपॉन टी सी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू सी, समझ में आ रहा है।
अब लास्ट स्टेप आ गया, ऑलमोस्ट हमारा लास्ट स्टेप आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, आप थोड़ा सा सोचो, साइड हट गया हूं, इसको नोट डाउन भी करते रहना क्योंकि अभी मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोचो और इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अभी मैं मिटा रहा हूं इसको ताकि आगे का स्टेप मैं करवा सकूं। ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टेप बचा है, फिर हमारा ये पूरा खत्म, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आपने, अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, ये वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, देखो ध्यान से, ये 1/TC = 1/QC है, ये QC1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे, ये QC1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये QC हो जाएगा, बीच में इक्वल है, और ये TC1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो TC हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसको मिटा दो, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है पहले से। अब अगला स्टेप आ गया, QC = TC, QC जो है वो TC के बराबर है। तो आप अगर ध्यान लगा के देखोगे यहाँ पे डायग्राम में, क्या देखो डायग्राम में, कि ये जो क्यू से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो टी से लेके तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब क्यू से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो टी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो सेम है, तो यहां से एक चीज हमें क्लियर कट क्या पता चलता है दोस्तों, कि जो पॉइंट होंगे कौन कौन से, ये सी और ये सी तो कॉमन है, तो क्या बच रहा है, पॉइंट क्यू और पॉइंट टी। तो पॉइंट क्यू जो होगा और पॉइंट टी जो होगा वो क्या होंगे, आर सेम पॉइंट, सेम होंगे ना, क्यों सेम होंगे, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे प्रूफ के हिसाब से ये पता चला कि जब QC = TC है, यानी कि अगर मैं इसका C और C काट भी दूं तो क्या बचेगा, Q और T, यानी कि Q पॉइंट और T पॉइंट इक्वल है, सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़, इसको काटने की जरूरत नहीं, वैसे ये समझ में आ जाता है, ठीक है ना, ये बोलने की बात है, ये बोलने की बात है, इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रखो। तो QC = TC के हिसाब से हमें समझ में आ गया कि पॉइंट Q एंड पॉइंट T क्या है, सेम पॉइंट है। और इससे एक चीज़ और क्या क्लियर मिलेगा हमें, कि जो मेरा सेगमेंट PT जो है, सेगमेंट जो है PT, यानी कि P से लेके T तक का जो सेगमेंट है, ये ब्लैक वाला सेगमेंट PT जो है, और दूसरा वाला कि सेगमेंट P से लेके Q तक का जो सेगमेंट है, ये भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि जब मेरा T और Q पॉइंट सेम है तो PT का डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट PT एंड सेगमेंट PQ आर सेम सेगमेंट, क्या है ये दोनों, सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट, SEG सेगमेंट होता है, शॉर्टकट लिखा है मैंने। तो सेगमेंट PT और सेगमेंट PQ क्या है, सेम सेगमेंट है। यानी इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकता हूं कि जब हमारा, हमने माना था कि सेगमेंट PT BC से पैरेलल था, तो PT जो था PQ के बराबर है, तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट BC के बराबर। और यही तो हमें प्रूफ करना था दोस्तों, क्या दोस्तों, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना क्या बोल रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जब हमने मान लिया कि सेगमेंट PT और सेगमेंट BC सेम है, तो हमने एक चीज बोला था कि सेगमेंट PT और PQ जो है, PT और PQ सेम है, तो ये PT जब BC से पैरेलल था तो PQ भी BC से पैरेलल हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। देखो यहां पे, टू प्रूफ सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, और वही चीज हमने भी यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो थ्योरम है, जिसका नाम है दोस्तों कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितना इजी है आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत ही इफेक्टिवली हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो आज का जो लेक्चर है ये मैं समाप्त करता हूँ, और आप देख सकते हो कितना इजीली हमने ये थ्योरम बता दिया आपको। तो अगर आपको एग्जाम में बाई चांस, देखो ज़्यादातर चांसेस मैं बोलूँ, अगर ये इसके पहले का थ्योरम जो पढ़ाया था मैंने, डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT और ये कन्वर्स ऑफ BPT, ये दोनों में से चांसेस किसका ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इसके पहले वाले का, यानी BPT जो था उसका चांसेस 95% है। लेकिन इसको भी कम मत समझो, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो कन्वर्स ऑफ BPT भी आप देखोगे तो छोटा सा है, सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, 2 से 3 बार वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और आप प्रूफ करके दिखा दोगे सेगमेंट PQ सेगमेंट BC के बराबर है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और आपको अगले लेक्चर में इसके ऊपर के एग्जांपल जो है, इसके ऊपर के कुछ फॉर्मूले जो है वो भी हम बता देंगे, तो आप जरूर से देख लेना। इसके आगे के जो भी है, ट्रायंगल वाले फॉर्मूले हैं, एंगल बाइसेक्टर्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, वो थ्योरम पूछता तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर फॉर्मूले जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो आपके प्रैक्टिस सेट है और एग्जांपल्स है वो भी सब करा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है जब आप कुछ कमेंट करते हो, कुछ अच्छा सजेशन भी देते हो, तो जरूर से दिया करो, अच्छा लगता है हमें। और साथ में दोस्तों कि अगर हम आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया है, यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है फ्रेंड्स,
तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर से लाइक करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करना अच्छा लगता है, और साथ में शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।